आप लोगों को नरेशन में हमने एडजेक्टिव सेंटेंसेस में चेंजेस इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस और चेंजेस इन पास्ट टेंस के रूल्स बता दिए थे लास्ट क्लास में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरोगेटिव में, ठीक है। इंटरोगेटिव में रूल्स वही होते हैं, बस वो एडजेक्टिव था, ये इंटरोगेटिव है तो कुछ चीजें इधर उधर होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि इंटरोगेटिव में सेड अगर लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा है तो उसको सेड ही रहने देते हैं। सेट या सेट टू होगा तो इसे हम लोग आस्क्ड या इंक्वायर्ड या क्वेश्चन, इसमें से कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। दूसरी बात इंटरोगेटिव है, यानी कि पहचाने की सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा ही होगा, ठीक है। और कॉमा इंपॉर्टेंट कॉमा के बेस पे इफ या वेदर का यूज होगा, ठीक है। दूसरी बात नोट इसमें आपको ये याद रखना होता है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसको आपको फुल स्टॉप में चेंज करना है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन वाले जो इंटरोगेटिव सेंस है, क्वेश्चन सेंस है, इसको आपको एसर्टिव सेंस में चेंज करना है, एसर्टिव सेंस में चेंज करना है। अब इस बात को समझेंगे एग्जांपल से। जैसे हम देखते हैं कि सेट कभी कॉमा इंवर्टेड कॉमा कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, क्वेश्चन मार्क इंवर्टेड कॉमा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि क्या तुम मेरे लिए कुछ पैसे बचा सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है इसलिए सेट या सेट टू जो लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिख देंगे इंक्वायर्ड। आप क्वेश्चन कुछ में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, हमने लिख दिया इंक्वायर्ड। ही इंक्वायर्ड कभी और कॉमा इंपॉर्टेंट कॉमा के प्लेस पे क्या वेदर यूज करना है हमने कर लिया ताकि इस पहले की कोई कंफ्यूजन ना हो। अब लिखा है कैन यूज पेयर, तो यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, ये ध्यान रखिएगा। एस एन वन टू थ्री इस तरीके से पर्सन चेंज होते हैं। तो यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, कभी। कभी एक लड़की है, सब्जेक्टिव केस में यहाँ पे आएगा शी। शी इफ शी और कैन जो है मोडस इंफिनिटिव होते हैं, उसकी पास्ट फॉर्म वुड में चेंज हो जाएगा। इफ शी वुड स्पेयर सम मनी फॉर मी, जो है ये आपका फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, ई का यहाँ पर इधर आके हिम हो जाएगा फॉर हिम, और इस क्वेश्चन में आपको फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ये आपका सब्जेक्ट लिखा है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को इंटरोगेटिव है और उसी को सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब को करते रहे तो आपका स्टेटमेंट के एडजेक्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है।